फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ पर होटल किस तरह से बुक करनी होती है और मूवीज टिकट किस तरह से बुक करनी है, वो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ पर फ्लाइट्स, बस टिकट, ट्रेन टिकट किस तरह से बुक करनी होती है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम सीखेंगे कि कार्स, बाइक्स के और गिफ्ट वाउचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉर्नर एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्ले लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। यहाँ पर सोशल कॉर्नर एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया और साइट पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कार बाइक्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो पेटीएम मॉल पे ले जा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लॉगिन करना होगा यहाँ पर। लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेटीएम मॉल के अंदर मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है यहाँ पर। तो मैंने कहा था कि पेटीएम और पेटीएम मॉल, पेटीएम जो है बिल पेमेंट करने के लिए है, और पेटीएम मॉल जो है वो आपको खरीदने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए पेटीएम मॉल में होता है यहाँ पर। तो दोनों कंपनी सेम ही है, दोनों कंपनी एक ही कंपनी की, ये दो वेबसाइट अलग अलग। तो आपको कुछ खरीदना है तो पेटीएम मॉल में आना है, और आपको कुछ पेमेंट करनी है, कोई बिलिंग पेमेंट करनी है, तो आपको पेटीएम में जाना होगा। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं यहाँ पर। तभी मैंने कहा था कि आपको कोई शॉप में गाड़ी चाहिए आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हीरो की, यहाँ पर कंपनी की, यहाँ पर बजाज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हीरो कंपनी की कौन कौन से यहाँ पर अलग अलग बाइक्स है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से बुक करवा सकते हो। आप हीरो मोटर्स देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर और अच्छी तरह से आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मोटरकॉप, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मोटरकॉप लिखा है यहाँ पर। तो अभी तो मुझे मोटरकॉप वगैरह नहीं एंटर करना, मुझे सिर्फ सर्च करना है। तो आपको कौन से मॉडल की, यहाँ पर हीरो की मेन डेस्टिनी 125, ये हीरो की यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ये आरसी करके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग यहाँ पर मॉडल है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एज, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर मॉडल होते हैं यहाँ पर। तो डिपेंड है आपके ऊपर सिस्टम के अंदर किस तरह से आपको प्रोडक्ट को यहाँ किस तरह से आपको प्रोडक्ट को परचेस करना है यहाँ पर, कौन कौन सी प्रोडक्ट होती है यहाँ पर, और भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको मानो कि ये बाइक आपको अच्छी लगी, तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो उसकी अलग अलग यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ पर, इसका मॉडल भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, दे सकते हैं यहाँ पर अलग अलग हीरो की है यहाँ पर। ओके, तो ये बाइक है, ये बाइक की इंजन के बाद साथ आप दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, अलग अलग यहाँ पर। तो आपको बुक करना है तो बुक भी कर सकते हो। तो ये कैश बैक भी बता रहा है यहाँ पर, ऑफर्स 7000, तो इसको आपको कैश बैक पेमेंट करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि कैश बैक मुझे मिले, तो यहाँ पर देख सकती हो कि कैश बैक पर मैंने ऑफर्स पर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। ओके, तो ये मैं मान लो कि 56,318 में परचेस करता हूँ, तो 7,000 मुझे वापस मुझे मिलेंगे कैश बैक। ओके, तो यहाँ पर देख सकती हो कि इसकी इंजन की टाइप, यहाँ पर इंजन टाइप देख सकते हो यहाँ पर, उसका डिस पेंट यहाँ पर, मैक्स पावर कौन सा है, कितने किलोमीटर चलते हैं यहाँ पर, मैक्स टॉर्क आप ले सकते हैं यहाँ पर, और कंप्रेशन रेशियो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसमिशन यहाँ पर दे सकते हो, गियर बॉक्स कितने हैं यहाँ पर, तो चार फोर टाइप के गियर बॉक्स है यहाँ पर, क्लच यहाँ पर मल्टीप्लेट है, और वेट टाइप क्लच है यहाँ पर,
क्लासिक एंड यहाँ पर सपरेशन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, तो सपरेशन जो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोलिक शॉक, यहाँ पर टाइप्स व्हील्स कौन कौन से यहाँ पर व्हील्स के टाइप्स भी देखते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर ट्यूब डब्ल्यू ट्यूब यहाँ पर ट्यूबलेस टायर यहाँ पर। ओके तो ट्यूबलेस टायर वो होते हैं कि जो अगर आप गाड़ी पंचर हो जाती है तो गाड़ी का व्हील खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको बदलने के लिए, तो ये ट्यूबलेस टायर है यहाँ पर। ग्राउंड यहाँ पर क्लियरेंस है यहाँ पर देखते हो, और व्हील बेस यहाँ पर ब्रेक्स यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स है यहाँ पर, ड्रम ब्रेक्स ड्रम ब्रेक के साथ ड्रम ब्रेक्स है यहाँ पर 130 mm की यहाँ पर ब्रेक बता रहे यहाँ पर, और 110 mm माइक्रोमीटर देख सकते हैं यहाँ पर। परफॉर्मेंस फ्यूल का है तो ये 85 लीटर के अंदर चल रहा था यहाँ पर। फ्यूल कैपेसिटी देख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्यूल कैपेसिटी की जो इसकी टैंक जो होती है यहाँ पर 8.5 लीटर है, और कितने किलो की है यहाँ पर तो इस पर यहाँ पर 115 किलोग्राम की है यहाँ पर उसका। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर डेस्टिनेशन बता रहा है यहाँ पर, उसका साइज बता रहा है यहाँ पर कितनी लॉन्ग डिस्टेंस है कितनी हाइट है वो mm में बता रहा है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिसिटी की उसकी बैटरी कितनी 12 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। हेडलैम्प बता रहा है यहाँ पर, टेल टर्न सिग्नल लैम्प कौन कौन से यहाँ पर वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरह से आप परचेस भी कर सकते हो। तो आपको बुक करने आपको अच्छी लगी है तो आप इस तरह से क्या सेट कर सकते हो यहाँ पर। ओके अगर आपको लगता है कि और आपको अच्छी तरह से बाइक चाहिए तो मोर बाइक पर क्लिक कीजिए यहाँ पर। मोर बाइक पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर अलग अलग कंपनी की यहाँ पर आपको बाइक मिलेगी। आप चाहते हो कि महिंद्रा यहाँ पर, यामाहा, हीरो, सुजुकी, टीवीएस, तो अलग अलग कंपनी की यहाँ पर अलग अलग बाइक आती है यहाँ पर। तो हीरो पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ब्रांड है यहाँ पर, तो रिपेयर सर्विसेज वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर ऑल कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं क्लियर ऑल करूँगा तो जो भी यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर बाइक्स है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बुक नाउ पर क्लिक करके आप मान लो कि मैंने ये सिलेक्ट की, और मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसको बुक नाउ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगा वो बुक करेगा। तो स्टेट को सिलेक्ट करना होगा आपको, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ से। ओके और यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करनी होगी आपको, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर वडोदरा। ओके और सिलेक्ट डीलरशिप, मतलब आपका कौन सा यहाँ पर वडोदरा के अंदर कौन सा आपका एरिया का यहाँ पर, जैसे एप्पल होंडा होगा तो ये जो है कौन सी कंपनी की है आप देख सकते हो यहाँ पर कि होंडा कंपनी है यहाँ पर, और ये जो देख सकते हो यहाँ पर कि मैं प्रोडक्ट के अंदर कौन सा, तो एप्पल होंडा होगा। ओके और यहाँ पर मुझे बता रहा कि मुझे ऑफर ऐड करने हैं तो कैशबैक मुझे चाहिए। ओके और ये मुझे 95,000 में से 7,000 मुझे वापस मिलेंगे। जैसे मैं बुक नाउ पर जैसे के लिए, तो आपको सेलेक्ट करना होगा आपका एड्रेस, तो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर दो बाइक खरीदो के तो यहाँ पर 1,90,000 होगा यहाँ पर। ओके तो आपको ओके यहाँ पर मुझे वन यहाँ पर ऐड ऑफर भी कर सकते हो आप, कौन से ऐड करनी है यहाँ पर, तो 7 ऑटो कोड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7,000। ओके ओके यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ पर एड्रेस, तो आपका एंटर करना होगा जीएसटी नंबर है या जीएसटी कोड नंबर, आपका कोई भी आपका नंबर आपका इस तरह से ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो सेलेक्ट एड्रेस पर क्लिक करना होगा, और सेलेक्ट एड्रेस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस एड्रेस के ऊपर मुझे भेजेगा यहाँ पर डिलीवरी भेजेगा मुझे इस बाइक की, तो इस तरह से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो यहाँ पर। ओके तो मैं सेलेक्ट ओके जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पे करना होगा यहाँ पर, तो पे करूँगा मैं यहाँ पर, जैसे पे पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर सी वी वी एंटर कोड करना होगा एट। ओके तो फिर मुझे पे करना होगा, तो पेटीएम से मैं कैब बाइक से बाइक खरीद सकता हूँ यहाँ पर। ओके तो बाइक बुकिंग भी करवा सकता हूँ यहाँ पर, तो जरूरी नहीं है कि आप डीलर के साथ ही जाकर आपको ढूंढने हैं आपको बाइक, तो वो भी वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि पेटीएम के थ्रू भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर।
यहाँ पर पेटीएम के अंदर आपको मोबाइल्स भी मिल जाएंगे, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर प्रिंटर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर कैमरास, यहाँ पर जिसपे यहाँ पर कुछ जैम वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। ये पेटीएम मॉल जो होते हैं यहाँ पर जैम है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आपको परचेज करना है या नहीं। ओके, तो ये पेटीएम मॉल का ये होता है। यहाँ पर मुझे पेटीएम का यहाँ पर वेबसाइट ओपन करनी है मुझे सिर्फ। ओके, तो मैं पेटीएम एंटर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। पेटीएम नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्लिक करता हूँ यहाँ पर पेटीएम। ओके, तो ये हमारा इस तरह से हमारा पेटीएम का जो है वीडियो पूरा होता है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर छूट गया मेरे से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इवेंट्स वो है, यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ अगर आपको कुछ यहाँ पर दिल्ली पॉपुलर सिटीज में घूमना है तो आप इस तरह से घूम सकते हो यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसकी ऊपर मैं ज़रा ध्यान नहीं देता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि मान लो कि मैं दिल्ली NCR पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा शो चल रहा है यहाँ पर, म्यूजिकल, यहाँ पर रसल पीटर्स, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लाइव म्यूजिक कॉमेडी। तो ये जो है क्या इवेंट्स है यहाँ पर, इवेंट्स मीन्स इसे यहाँ पर प्रोग्राम जो यहाँ पर आपको वहाँ जाकर आप इस तरह से शो को क्या देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ अलग अलग यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है, हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आप नए कंप्यूटर में हैं, तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो, तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं, और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल पैनल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है, तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कम्प्लीट आपको समझ में होना
चाहे आपको समझना होता है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।